दशहरा, दीपावली और छठ सहित अन्य त्योहारों को लेकर शासन ने गाइडलाइन जारी की है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने कहा है कि मंगलवार को दुर्गा पूजा समितियों के साथ बैठक करके आगे की रणनीति तय की जाएगी। फिलहाल जनपद में कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। जनपद वासियों से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने घरों में ही अपने परिवार के साथ हर्षोल्लास से पर्व को मनाएं और कोरोना संक्रमण से बचें। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने कहा, त्योहार के लिए कल तो पूरा डिटेल में हम लोग एनएक्सी में बात करेंगे, बट आपसे मोटा मोटा जो डायरेक्शन आया है उसी के मैं मोटा मोटा बताने चाहता हूँ। देखिए, ये त्यौहार मनाने का माहौल नहीं है अभी भी, और ये सतर्क साथ मनाना है। देखिए, जो सभी का आस्थाएँ होते हैं, बिलीफ होते हैं, उसका मानते हैं, वो अच्छी बात है, बट उसको देखिए वो बड़े स्केल में करने में जो क्या होता है, आपको नहीं पता है किसको कोरोना है किसको कोरोना नहीं है। आप बुलाते समय में आपको नहीं पता है कोई मास्क ढंग से पहन रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग रख रहा है कि नहीं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जो आपका मनाते हैं, आस्थाएँ मनाते हैं, जो भी आप प्रार्थना करते हैं, घर से ही कराइए, और यथासंभव बाहर भीड़ का बीच में जाना मना कर दीजिए। और वैसे कहीं सार्वजनिक रूप में 50 को ऊपर का भीड़ वैसे ही मना है, उस पर मत जाइए, ताकि आपके जाने अनजाने में आपको भी वो बीमारी हो सकता है, वो घर आके आप आ सकते हैं। इसलिए तो हम कुछ डायरेक्शन अभी जारी करेंगे शासन से, जो आया हुआ डायरेक्शन, बट आपको जनरली डायरेक्शन हम कर रहे हैं अभी तो इस त्यौहार, कम से कम इस मौसम में और कोरोना का काल में जो इसी टाइप का त्यौहार मनाना अवॉइड करिए, पोस्टपोन करिए। जो आपका बिलीफ है, जो प्रार्थना है, घर का अंदर ही रख करके मनाइए, ये मेरा निवेदन है आपसे।